मौतें बहुत कम हुई हैं, रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ा है। सौ टेस्ट करते हैं तो सात या आठ लोग पॉजिटिव आते हैं, तो पॉजिटिविटी रेट घटा है। मौतें बहुत कम हुई हैं, मिड जून में लगभग 101 मौत डेली हो रही थी और अब लगभग 40 के करीब मौत डेली हो रही है, उसको भी कम करना है सबको मिलके। रिकवरी रेट बहुत तेजी से बढ़ा है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन अभी दिल्ली की जनता से मैं एक ही अपील करना चाहूँगा कि कॉम्प्लेसेंट नहीं होना इसमें कि भाई अब ठीक हो गया सब कुछ, कोरोना का कुछ नहीं पता, कल को फिर बढ़ सकता है। तो एहतियात बरतनी, हमारी एहतियात जो है वो सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। हमेशा मास्क पहनना है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है सब लोगों को मिलके, और अपने हाथ लगातार सैनिटाइज, ये तीन मंत्र हैं कोरोना से बचने के लिए। जैसे मैं बार बार कहता रहा हूँ कि हमारा जो भी कोरोना का मैनेजमेंट रहा, इसकी पूरी नींव जो है, फाउंडेशन जो है, वो थी सबका सहयोग। हम लोगों ने ये रियलाइज कर लिया कि ये इतनी बड़ी महामारी है जिससे अकेले नहीं लड़ा जा सकता। अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई सरकार ये कहे या ये सोचे कि हम अकेले कोरोना से पार पा लेंगे, तो वो गलत है। जो एक काम हमने किया कि सबको साथ लेके आए हम लोग, हम केंद्र सरकार के पास भी गए, हम समाज सेवी संस्थाओं के पास भी गए, हम रिटायर्ड डॉक्टर्स की कई सारी एनजीओज हैं, डॉक्टर्स फॉर यू, कई सारी एनजीओज जो स्टेप वन, कई सारी एनजीओज मदद कर रही हैं। हम बहुत सब लोगों के पास गए, सब लोगों से मदद मांगी, और ये जो आज कम हुआ है इसमें सबका श्रेय है। तो फाउंडेशन हमारी वो थी। उसके बाद हमने टेस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी,